हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आखिरकार डी लुकअप किस तरीके से काम करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, क्या क्या चीजें होती हैं, तो डी लुकअप काम करता है विदाउट प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है, ये तमाम वो बातें हैं जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ डी लुकअप के बारे में। तो आइए देखते हैं कि डी लुकअप किस तरीके से काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले तो एक्सेस को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ और इसी के ऊपर हम काम करेंगे। तो यहाँ से ब्लैंक डाटाबेस पे जाएंगे और जैसे ही ब्लैंक डाटाबेस पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये सिनेरियो दिखाई देता है। तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पे बनाना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पर आकर के जैसे ये इसका नाम मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट। क्या नाम दे देता हूँ? प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इसे नाम दूंगा प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट नाम दे करके और एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आईडी दिखाई दे रही है ये है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। इसे मैंने कर दिया है प्रोडक्ट आईडी और इसका जो डेटा टाइप है ये ऑटो नंबर है। तो ऑटो नंबर ना रख करके हम इसे रखेंगे नंबर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट PROD, नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट और टेबल का नाम हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका डेटा टाइप जो होगा वो होगा शॉर्ट टेक्स्ट। आप अगर 2007 यूज कर रहे होंगे तो वहां पर आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो है यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है चाहे तो प्राइस भी ले सकते हैं लेकिन चलिए यहीं तक रखते हैं और यहाँ से चल करके इसको सेव करते हैं। तो यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट जो आईडी है यहाँ पे ये फिलहाल 0 दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 101 रखेंगे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और यहाँ नेम ऑफ प्रोडक्ट रख देते हैं लाइक MOUSE माउस। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं तो ये 102 रखते हैं और यहाँ नेम ऑफ प्रोडक्ट रख देते हैं कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड हो गया। यहाँ पे 103 करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं प्रिंटर, PRINTER प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो 104 है और इसको रख देते हैं स्कैनर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने ले रखी हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं सेव करके। तो ये क्लोज कर दिया। अब डी लुकअप यूज कैसे होगा, सवाल यही है कि डी लुकअप कैसे यूज होगा। तो यहाँ पर क्रिएट पे चल के क्वेरी डिजाइन पे जाके हम क्वेरी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करेंगे और यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा एड एग्जिस्टिंग फील्ड। तो इन फील्ड्स को हम आएगा आपको कि अगर आपने वो फॉर्मूला अप्लाई किया और आप जो है किसी एक पर्टिकुलर आईडी के बेस पर किसी एक प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट आईडी का जो प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है, तो वो ये आपको निकाल के देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे इसको यूज करना है, तो क्रिएट पे जा करके और फिर यहाँ से हम फॉर्म डिजाइन पे जा सकते हैं, फिर यहाँ पर एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जा सकते हैं और आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं एक, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम जो फॉर्मूला या फंक्शन जो भी है हमारा डी लुकअप वाला उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है डिटेल पी कर देते हैं, डिटेल पी, DETAIL डिटेल प्रोडक्ट। ठीक है, तो डिटेल पी के नाम से इसे सेव किया है और यहाँ पर इसके जो टेक्स्ट बॉक्स का लेबल है इसका भी नाम चेंज करेंगे। यहाँ पे ये टेक्स्ट 0 आ रहा है तो डिटेल पी कर देते हैं, यानी दोनों का नाम हमने चेंज कर दिया है। अब बारी है कि इस फंक्शन को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपको अनबाउंड दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है कंट्रोल सोर्स पर। जैसे ही आते हैं तो आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाता है, करना क्या है इज इक्वल टू डी लुकअप लगा लेना है। तो ये लगाया डी लुकअप, देखिए डी लुकअप आ भी रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में आपको क्या देना है, यहाँ पर देना है प्रोडक्ट का नेम। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, यही तो दिया था हमने। तो जो दिया है बिल्कुल वही आपको लिखना है और ये भी ध्यान देना है कैपिटल स्मॉल का। तो यहाँ पे ये पी जो है कैपिटल है प्रोडक्ट का, तो मैं यहाँ पे पी को कैपिटल ही रखने वाला हूँ और फिर इस डबल डॉट कॉमा को क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद कह रहा है डोमेन, तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में आपके टेबल का नाम आएगा। तो टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट है, तो डबल डॉट कॉमा में PRODUCT प्रोडक्ट दे दिया। फिर कॉमा लास्ट में कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं, डबल डॉट कॉमा में प्रोडक्ट आईडी देते हैं। ये हुआ प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 103 करते हैं इस बार। ठीक है, 103 कर दिया। अब इसको बंद करेंगे, बंद करके यहां से इसको जब चलाएंगे ना
तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल जाएगा और यहाँ पे फॉर्म व्यू पे आएंगे तो देखिए ये जो है 103 वाला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है प्रिंटर। जरा देखिए यहाँ पर प्रिंटर है या नहीं है, यहाँ पर आ रहा है प्रिंटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखिएगा, मैं वापिस आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 104 करता हूँ, देखिए ये बिना प्रोग्रामिंग के dlookup यूज कर रहा हूँ और इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में dlookup का यूज करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर 104 किया हमने तो यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनर आ रहा है, तो जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने ही आएंगे। देखिए वो 104 पे स्कैनर ही है, यहाँ पे 104 पे क्या है, स्कैनर है। अगर आप 105 कर देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि 105 कर देंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, नहीं, 105 करने पर नहीं आएगा क्योंकि 105 तो हमने एंटर ही नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 105 कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे चेंजेस करके 105 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मॉनिटर कर देते हैं, मॉनिटर तो देखिए ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, देन इसको जो है एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये रिफ्रेश हो गया, ये मॉनिटर आ गया ना यहाँ पे। तो dlookup इसी प्रकार से काम करेगा, ठीक है ना। और इसकी VBA प्रोग्रामिंग वाला जो है मैं एंड स्क्रीन नोटेशन में दे देता हूँ कि कैसे आप इसके लिए VBA प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बाकी इस पर वीडियोज और भी आती रहेंगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।